वेलकम बैक टू माय चैनल हनी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने आई हूँ, पोहा। ये बहुत टेस्टी होती है और ये ज्यादातर ब्रेकफास्ट में ली जाती है और शाम को स्नैक्स में भी लेते हैं, और ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग इसे ब्रेकफास्ट में लेते हैं और ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। आइए इसके चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसी मेथड से बनती है ये। यहाँ पोहा बनाने के लिए मैंने 2 कप्स पोहा लिया है। ये इसको फ्लैटन राइस भी बोलते हैं और राइस फ्लेक भी कहते हैं, और हिंदी में इसे चिवड़ा बोलते हैं। ये 2 कप्स लिया है मैंने। यहाँ मैंने 2 ग्रीन चिली लिए हैं, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज ऑनियन है, इसे भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून शुगर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। शुगर तो इतनी ही लेनी है, 1/2, और सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। और यहाँ मैंने कुछ करी लीव्स लिए हैं, कड़ी पत्ता 1/2 टीस्पून मैंने मस्टर्ड सीड लिए हैं यानी कि राई, 1/2 लेमन जूस लिया है मैंने, 2 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है ये। और यहाँ कुछ मैंने रोस्टेड पीनट लिए हैं, इसे मैंने देखिए इसे रोस्ट कर लिया है तवे पे। और ये वाटर ले रही हूँ मैं, इसको वॉश करने के लिए यूज करूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले मैंने जो राइस प्लेट लिया है इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दी, फिर उसको भिगा लेंगी, पूरा ऊपर तक भिगा लेंगे इसे। और बहुत जल्दी ही इसको हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे स्टेनर में। इसे हमने पूरा इसका पानी ड्रेन कर लिया, बस हल्का हल्का नीचे जैसा है इसको छोड़ दिया है ताकि इसको गलने में थोड़ा सा ये हेल्प करे पानी वाला। इसके लिए हम छोटी सी कढ़ाई लेते हैं और फ्लेम को ऑन करते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं, ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं और उसको जब तक हम और प्रोसेस करें इसको थोड़ी देर में, सिर्फ 3-4 बार जब तक बनाने तक की इसे हाथ से ऊपर नीचे कर लेना है ताकि इसमें ये स्टिक ना हो एक दूसरे में अपने आप में। और इसमें हमें ये शुगर और सॉल्ट ऐड करना है इसी में, और इसे हाथ से ऐसे ऊपर नीचे कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल, गरम मिर्ची का, अब इसमें प्याज ने हमारा कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें जितनी थोड़ा सा करी लीव डाल देंगे, ग्रीन चिली। ये टर्मरिक पाउडर है, ये हमने आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बताया था, पहले ऑप्शनल है, दाल भी सकते हैं और व्हाइट भी बना सकते हैं, बट ये येलो बना रहे हैं, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। अब इसमें हमें अपना पोहा ऐड कर दें, पीनट, लेमन जूस, हल्का सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सब अच्छी तरह। ये कुक हो चुके हैं, रेडी है, चलो सब निकाल लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पोहा बनके रेडी हो चुका है। इसे मैंने गार्निश किया है लेमन से और कोरिएंडर लीव से। आप चाहे तो और किसी से भी कर सकते हैं गार्निश इसे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट दें। आपके फीडबैक का हमें वेट रहता है। चलिए मिलते हैं फिर हम एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके, गुड बाय।